नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। सीएफएम का एक मकसद उन्नत हो साहित्य जगत, हिंदी का प्रचार हो, देश का उपकार हो, कोई हिंदी से ना दूर हो, इंग्लिश के नशे में चूर हो, अपनी मातृभाषा हिंदी हर घर में व्यवहार हो, हिंदी हिम की शिरमो तो हिंदी का गुणगान हो। सीएफएम का एक मकसद उन्नत हो साहित्य जगत, हिंदी का प्रचार हो, देश का उपकार हो। नमस्कार, मैं ट्विंकल वर्मा, गोल्ड फिल्म मिरर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम का नाम सीएफएम वीक है। गोल्ड फिल्म मिरर आप सभी को एक सुनहरा मौका दे रहा है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध है, आप सभी अपनी स्वरचित कविता पाठ करते हुए उस नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी प्रतिभाओं को निखार सकते हैं। आइए अब कविता की ओर बढ़ते हैं। आज की मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है छुआछूत। अच्छा था वो गुलामी देश, अच्छा था वो गुलामी देश, ना किसी से भेदभाव, ना किसी से ईर्ष्या द्वेष, आजाद कराने को हुए थे सब एक, तब क्यों नहीं किया जाति भेद, नारा जो तुम गढ़ रहे थे, हम सब एक है यही कह रहे थे, कहां गई वो बात, कहां गई वो रात, कहां गई वो साथ, कहां गई वो नात, भारत माँ के हृदय को चकनाचूर कर दिए हो, ये शातिर दिमाग लाए कहां से, कोई चाल चल रहे क्या फिर से, छुआछूत की बीमारी सदियों से चली आ रही, छुआछूत की बीमारी सदियों से चली आ रही, ये तन की नहीं मन की है बीमारी, कूड़ा करकट वालों को घृणा दृष्टि से देखते हो, कूड़ा करकट वालों को घृणा दृष्टि से देखते हो, पास आते ही अपनी नाक में रुमाल घुसेड़ लेते हो, बदबू तुम्हारे ही फैलाए कचरे से आती है, बदबू तुम्हारे ही फैलाए कचरे से आती है, बदन में गलती से छुआ ना जाए इसका ध्यान हमेशा रखी जाती है, मेहतर की जाति तुम्हें पसंद नहीं, मेहतर की जाति तुम्हें पसंद नहीं, अपनी गंदगी उनसे ही साफ करवाते, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं, पवित्रता का ढोंग रचाने वाले मन में मैल पालते हो, पवित्रता का ढोंग रचाने वाले मन में मैल पालते हो, दूसरों को नीचा दिखाने वाले खुद को ऊंचा समझते हो, मरने से बचाए हैं वो कोरोना के चपेट में आने नहीं दिए सबको, साफ सफाई कर जीवन दान दिए हैं सबको, मान सम्मान के पात्र हैं, सौभाग्य है सबका, मान सम्मान के पात्र हैं, सौभाग्य है सबका, ये हमारे बीच है, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पूजा कुमारी वाल्मीकि है। आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित एक देशभक्ति परक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है विरासत से पाया। कविता कुछ इस प्रकार है। बहुरंगी विविधता का यह देश है, वेशभूषा अलग, मन का ना अलग कोई वेश है, समृद्ध संस्कृति विरासत से मिली हमें, बुलंद हौसला विरासत की ही देन है, रक्त फौलादी वीरों को देश से विरासत में मिला है, इतिहास खंगालो कड़ियां जोड़ो हौसला ये पुरातन से मिला है, विरासत का हौसला है शत्रु हिंसा तोल कर करना, हिसाब पूरा होगा अटकन चाहे तुम जितने ही करना, मिट जाने मिटा देने दोनों का हौसला रखते हैं, हर वीर शिवाजी जैसा ही फौलादी सीना रखते हैं, राष्ट्र पर आंच तो दूर की बात है तपन तक ना आने देंगे, विरासती हौसला उनका सरहद को ना लुट जाने देंगे, वीर हमारे बसंत के मौसम के ना शौकीन है, पूस जेठ या कोई माँ सरहद के वे प्रवीण है, धरती उनकी पहली माँ है, माँ ने यही सिखाया होगा, जरूर विरासत में ही ऐसा फौलादी सीना पाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार, मैं नंदिनी कुमारी साहू, आप सभी का स्वागत है सीएफएम वीक में। आप सभी के समक्ष मैं अपनी स्वरचित कविता पेश करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आंगन। अपनी नन्ही कदमों से, अपनी नन्ही कदमों से, पैरों में पहनकर पायल, पैरों में पहनकर पायल, पग पग चलकर घुंघरू की आवाज़ से, पग पग चलकर घुंघरू की आवाज़ से, उसने पूरे आंगन को गुंजाई,
जिस आंगन में खेली वह जिस आंगन में खेली वो अपना सारा बचपन बिताई, उसे अपने हाथों से सजाई, उसने पूरे घर को खुशियों से महकाई। आज वो नन्ही सी कली अपना घर छोड़ चली, आज वो नन्ही सी कली अपना घर छोड़ चली, सूना करके पूरे घर को उस आंगन को दे रही विदाई। सबके आँखों में आंसू छलक रही, बाबुल के गले लगकर बिटिया फूट फूट कर रो रही, बाबुल के गले लगकर बिटिया फूट फूट कर रो रही, जाते जाते बिटिया अपने आंगन को निहार रही, ऐसा लगता मानो जैसे आंगन भी उसे पुकार रही। धन्यवाद। नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी गुप्ता हूँ, प्राकर पश्चिम बंगाल के रहने वाली और काजी नजरू विश्वविद्यालय एम ए द्वितीय सत्र की छात्रा। आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता पेश करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है क्या मायका क्या ससुराल। क्या मायका क्या ससुराल, दोनों में है भेद कहाँ। क्या मायका क्या ससुराल, दोनों में है भेद कहाँ। दोनों से है बेटी का संसार, दोनों में है ममता का भंडार। एक कुल में वह जन्मी है, दूसरी कुल की वह महारानी है। एक कुल में वह है सवरी, दूसरे कुल को सवारी है। एक कुल में वह बेटी कहलाती, दूसरी कुल की वह बहू है। जिस आंगन में जाती है रोशन कर आती है, मंदिर मस्जिद जहाँ भी जाती दुआओं से घर रोशन कराती। मन में रहते कई सवाल, पर कहते नहीं किससे सिवा। रहने लगी वो शांत पिया घर में, जो थी मायके की लाउड स्पीकर। जीने लगी वह धैर्य की जिंदगी, जो थी मायके की शेरनी। क्या मायका क्या ससुराल। धन्यवाद।